है एयरक्राफ्ट एक हवा में उड़ता है और लेकिन तभी वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है जब उसका डायरेक्शन सही हो. तो इंसान जब हवा में उड़ता है, इंसान जब सक्सेस से, बट उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. प्लीज हेल्प. अगर एयरक्राफ्ट पार्क्ड है एयरपोर्ट पे तो किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. डायरेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो हवा में हो, यानी कि एक्शन में हो. तो ऐसे ही जो भी हम हार्डवर्क करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो भी एक्शन लेने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारी डायरेक्शन ठीक है, तब तक सब बकवास है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस पर मटेरियल्स किस तरह का यूज कर रहे हैं. जिस तरह का मटेरियल्स यूज करेंगे उसके बाद ही वो हमें उतना ही सक्सेस दे पाएंगे, मतलब उतना ही वो ऊपर उड़ पाएगा. तो अगर मटेरियल्स उसमें सही नहीं है तो वो बहुत जल्दी क्रैश कर जाएगा और उसमें कई सारे डिफॉल्ट आएंगे. अगेन एक्सीलेंट. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. यानी कि एयरक्राफ्ट को अगर हम देखें अपनी बॉडी की तरह, तो अनलेस एंड अनटिल जो एयरक्राफ्ट का मटेरियल है वो सही नहीं है तो एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा. सपोज पेपर का आपने एयरक्राफ्ट बना दिया, उसको उड़ाने की कोशिश करो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जाएगा भी तो क्रैश कर जाएगा. बारिश आई तो पता नहीं कहाँ गया वो पेपर का एयरक्राफ्ट. हमारे लिए क्या है मटीरियल अगर देखा जाए तो, अगर हम एयरक्राफ्ट हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं हमारी जो बॉडी है, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं. आप में से कितने हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं डेली? अगर हमने अपनी बॉडी को ठीक नहीं किया तो जितना मर्जी आप बड़ा गोल सेट कर लो, अगर वो गोल अचीव कर भी लिया तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ वाइल. मजा ही नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे. आप कहोगे यार चक्कर क्या है, मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी अंदर से. ये एनर्जी कैसे मिलती है? न्यूट्रिशन. हाँ, वन इज न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली. सेकेंड इज कि कैसे हम अपनी बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हम इतने अवेयर हैं कि कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं और उसको खोलने के लिए हमको क्या करना है सही टाइम पे. जैसे एयरक्राफ्ट को चेक किया जाता है ना, इनफैक्ट हर उड़ान से पहले उसको चेक किया जाता है, एक्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है वो एक्ट करने के लायक भी है या नहीं है, उड़ने के लायक भी है या नहीं है. ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को रेगुलरली चेक करना है कि क्या मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो भी बॉडी में मेरी एनर्जी है, वो गिर रही है या बढ़ रही है जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से. तो अगर हमको इतना समझ होगा, इतनी अवेयरनेस होगी, तो जिसकी वजह से गिर रही होगी उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, जिस तरह से बढ़ रही होगी उसको हम ऐड करते चले जाएंगे. हो सकता है जिस तरह से बढ़ रही है एनर्जी उसमें दर्द हो रहा है. You're getting where I'm coming from? जैसे कोई मसल स्टिफ होती है, आई एम नॉट टू श्योर आपने कितना काम किया है आप लोगों ने अपनी बॉडी पे अभी, बिकॉज इस एज में तो वी टेक आर बॉडीज फॉर ग्रांटेड. फिर एक स्टेज के बाद में जा करके जब वॉट लग जाती है तब हम जागते हैं कि अब कुछ करना है, वॉट तब तक देर हो चुकी होती है. मेंटली होने से पहले फिजिकली फिट होना है, बिकॉज आप मेंटली तब तक फिट नहीं हो सकते जब तक कि आप फिजिकली फिट नहीं हो. एयरक्राफ्ट ठीक नहीं है, उसको बोला जाए उड़ने के लिए, चल भाई उड़, तू कोई बात नहीं, तेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उड़ उड़ कोशिश तो कर, शायद उड़ जाए. उड़ेगा ही नहीं, इट कांट टेक ऑफ, क्रैश हो जाएगा या उड़ ही नहीं पाएगा. वो उसमें वो पावर ही नहीं होगी कि जहां से टेक ऑफ करना होता है वो कर ही नहीं पाएगा टेक ऑफ. बहुत सारे जो हमारी इमोशनल जो उथल पुथल होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं, वी फील सैड एट टाइम्स विदाउट एनी रीजन. कोई रीजन नहीं होता लेकिन मूड खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है, हमें पता नहीं होता है. तो सबसे पहला जो काम है वो है कि अपनी बॉडी पे काम करना है. अब बॉडी पे कैसे काम करते हैं? हम सोचते हैं कि हाँ भाई जिम चले जाना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है. या फिर योगा करना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है. वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ करते हो योगा में, आपके किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, मानो बैक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके नेक में पेन हो रहा हो या लोअर बैक में हो रहा हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी नेक पे थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करे और वो ठीक हो जाए 3-4 दिन में और आप कहो मैं तो ठीक हो गया. ऐसा नहीं होता है. देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे आपके पेन हो रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और होती है. कोई और आपकी मसल है जो स्टिफ है, तो उसके स्टिफ होने की वजह से सारा जो लोड आ रहा है वो आ रहा है आपकी अपर मसल के ऊपर और लोअर मसल के ऊपर, उस वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उस वजह से वहां पर पेन हो रहा है. और आप जो मेन एरिया है वहां तक तो आप देख ही नहीं रहे हो, ना कोई डॉक्टर देख रहा है. तो वहां तक स्ट्रेच को पहुंचाने के लिए यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट अ मिनट. हम क्या करते हैं, योगा किया, क्या समझते हैं हम योगा का मतलब? फटाफट फटाफट एक आसन किया, 5-10 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए. यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट, तब जा करके धीरे धीरे आप देखोगे उस पार्ट में सेंसेशन होनी शुरू होगी जो एक्चुअल में स्टिफ है, जिसपे एक्चुअल में काम करना है.
फिर जब वहां पे दर्द होगा तो अगेन यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट एंड अंडरस्टैंड कि गुड पेन क्या है और बैड पेन क्या है. डू यू वॉन्ट मी टू टच दीज थिंग्स? या कुछ है इंटरेस्टिंग लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना उसमें इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. और ये कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अपनी बॉडी को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, अगर इसकी डेप्थ को आप देख पाओ तो. इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए. देखो एयरक्राफ्ट चाहे ठीक हो या खराब हो उसकी चेकिंग रेगुलर होती है. ये नहीं कि वो बाहर से ठीक दिख रहा है तो ठीक ही है ना, अभी तो आया है तो ठीक ही होगा ना. समझ गए ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है तो ठीक ही होगा ना, कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है इसका मतलब ठीक ही होगा ना. नहीं, फिर भी उसको रेगुलरली चेक किया जाता है. मतलब क्या है कि आपकी बॉडी अगर अभी ठीक भी है देन ऑल्सो यू नीड टू डू सम स्ट्रेचिंग, सम स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपकी लाइफस्टाइल है या आज भी जो आपकी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वॉट लगने में, 5-10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे क्या अभी हो ही गया होगा. इनफैक्ट क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, वो बता रहे हैं अब उल्टा हो गया है. पहले तो उनके पास में सारे बुढ़े बुढ़िया आते थे, अब सारे यंग आते हैं, कहते हैं यार बढ़िया हो गया हमारा प्रोफेशन. तो बहुत यंग एज में ही लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है और आई एम 100% श्योर आप में से भी बहुत सारों को हो रही होगी. कभी नेक में पेन, बैक में पेन, ये क्या लॉजिक है? इस एज में 20-22 साल की एज में पेन कैसे आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं. तो अभी अगर पेन आ रहा है तो समझ जाओ कि ये सिग्नल्स हैं. अगर इसको अभी हमने कैच नहीं किया तो इतनी देर हो सकती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, एकदम से इतनी ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ी, स्लिप डिस्क हुई, बैठे रहो, आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया. यही हुआ था, 1-2 साल से पेन थी, इग्नोर करती रही और एक दिन बस नॉर्मल बैठी हुई थी ऐसे और उसके बाद उठा ही नहीं गया था और फिर 2-3 महीने लग गए थे रिकवरी के लिए. बी ऑन इट, मतलब ऐसे अगर हमने उसको कैच कर लिया होता पहले ही, या अभी भी अगर हम इसको पकड़ लें, इस बात को अभी भी समझ जाए मेरी जो बात है, तो आने वाली जो आपकी लाइफ है वो बढ़िया हो सकती है. अगर अभी भी हम ना सीखें अपनी इस गलती से तो फंसते चले जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी. और बॉडी क्या है, पूरी इंटरकनेक्टेड है. आप ये नहीं कह सकते कि एक एयरक्राफ्ट है उसमें एक पार्ट ही तो खराब है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो पार्ट सारे और पार्ट से कनेक्टेड है. बॉडी में एक पार्ट भी अगर आपका खराब है तो समझ जाओ बाकी सारे पार्ट्स उससे इंटरकनेक्टेड हैं, धीरे धीरे सब पे असर आने लग जाएगा. सो अब इसका तरीका क्या है, डू वी अंडरस्टैंड कि कैसे काम किया जाता है? देखो जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे, या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए, यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लग जाए तो हम खुश होने लग जाते हैं, अगले दिन करते हैं इतना अच्छा फील नहीं होता फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं. तो आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, डू यू वांट टू नो दैट या नहीं? आगे बढ़ो. हाँ ठीक है, देखो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो उसका जो असर आएगा आपके ऊपर, पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है, एक बैड पेन होता है. गुड पेन मतलब क्या, कि आपने स्ट्रेच किया, अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है, जैसे ही आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो गया, दिस इज गुड पेन. एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है, दैट इज बैड पेन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन. अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडीज हैं वो हर मोमेंट में चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है. तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे, तो आप कल करोगे कहीं और आने लग जाएगा, मतलब वो पार्ट अब खुल गया है, तो अब आपको पता लगेगा मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं. अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं हो, आप वहीं घूम रहे हो गोल 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 गोल, जैसे खच्चर होता है ना, गोल 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 घूमता है ना, उसको बांध दिया जाता है, बस वहीं घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, वो वहीं है जहां पर 10 साल पहले था, वहीं गोल 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 घूम रहा है. तो पेन मस्ट शिफ्ट, आप समझ गए, वो शिफ्ट होना चाहिए, वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे कहीं पे आया, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और. तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूं अपनी बॉडी के. पेन शिफ्ट होता है और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करोगे फॉर एटलीस्ट अ मिनट. और मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा. सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना कभी एक मिनट के लिए, आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे हैं. मतलब सिंपल कह रहा हूं मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्रासन में एक मिनट तक रहना, ना जी, शुरू करो यहां से भी जाओगे जैसे ही बाहर, एक ऊपर हाथ करके स्ट्रेच तो करना चाहिए ना, बैठे हुए 1 घंटे तक, तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना आराम से स्ट्रेच करके, 1 मिनट काउंट करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज दिस 1 मिनट. कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से. कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा होगा, चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है, करना है तो करना है, दिस इज द गोल्डन रूल.
यू मस्ट नेवर गिव अप योर प्रैक्टिस एज कि एयरक्राफ्ट चेक करना है तो करना ही है. दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि इसके बिना सब कुछ करना बेकार है. अगर आप ये नहीं कर रहे, यानी कि डेली अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम एक घंटा काम नहीं कर रहे, आप कुछ भी कर लो आप महा बेवकूफ हो. टेक माई वर्ड फॉर इट. आप एक बहुत बड़े IT इंजीनियर बन गए हो और बैठे हुए हो, बेवकूफ हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ आपकी लाइफ आपके हाथ से निकलेगी. ऐसे बंदों की हालत क्या होती है आने वाले टाइम में, पैसा तो आ जाता है लेकिन ना उनकी बॉडी उनके हाथ में होती है, ना माइंड उनके हाथ में होता है, ना इमोशंस, ना रिलेशनशिप, सब की धज्जियाँ उड़ जाती है धीरे धीरे. सब इंटरकनेक्टेड है. याद रखना, आपकी बॉडी में कहीं पर पेन आने का मतलब कि वो सिर्फ बॉडी तक नहीं रहेगा, आपके इमोशंस पे भी आएगा, आपके रिलेशंस पे भी आएगा, आपके करियर पे भी आएगा, सब जगह जुड़ा पड़ा है. सो यू मस्ट नो हाउ टू बियर गुड पेन विद अ स्माइल. नॉर्मली जब पेन हो रहा होता है, जैसे कहीं कोई स्ट्रेच करेगा आपको, या आप खुद भी अपने आप को स्ट्रेच करोगे, पेन होगा तो ऐसे करेंगे, क्या जोर लगा रहे हैं, कभी कभी देखना अपनी शक्ल शीशे में देखना. कितना भी पेन हो रहा हो, इफ इट इज गुड पेन, इफ यू नो व्हाट गुड पेन इज, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए. आने दो कितना आ रहा है, लेट इट कम. सर, बट योगा में तो पेन को भी रिलैक्सेशन के साथ फील करना होता है ना. वही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इसीलिए मैंने स्माइल बोल दिया. सर, वो वाली फेस नहीं बना सकते योगा. वाली फेस नहीं बना सकते, लेकिन वाली फेस बनती है, राइट? हाँ, जैसे ही होल्ड करना पड़ता है एक मिनट तक, तो अलग अलग तरह के फेसेस बनते हैं. हमारी हालत खराब होती है. अगर वैसे फेसेस बना करके आप कर रहे हो तो दैट मीन्स कि अब आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे. यू मस्ट स्माइल एंड डू इट. कुछ भी हो रहा है, ठीक है जी, पेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एट टाइम्स यू विल गेट लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम इट. इतना प्लेजर मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते. अभी आपको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है, कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, और एक बार आपकी बॉडी फिट होती चली जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो पूरा प्रॉपरली फ्लो कर रही होती है. ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हो क्या रहा है. सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे हुए हो, पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए हो, मतलब कुछ कमाल की ही एक अंदर एक फीलिंग हो रही है. तो इस फीलिंग की वजह से खुश नहीं होना है, समझ गए? खुश नहीं होना है, फंस जाओगे बुरे तरीके से. क्योंकि इस फीलिंग से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये फीलिंग ना हो, फिर आप उसको करना छोड़ दोगे. तो चाहे कैसी भी फीलिंग हो रही है, अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो 2-3 साल में क्या होगा कि आपने अच्छी फीलिंग्स को भी छोड़ते गए, बुरी को भी छोड़ते चले गए, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच डीपर होता चला जाएगा, मसल्स अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएंगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. और तब भी आप एनर्जी को नहीं पकड़ोगे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, तो आपकी बॉडी कमाल की बनती चली जाएगी. बट ये आपका गोल नहीं है. आपका गोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि फटाफट से इस अच्छी फीलिंग को छोड़ करके जो मुझे अपनी बॉडी को फिट करके मिल रही है, इस सारी एनर्जी को लगा दिया जाए अपने माइंड पे काम करने में. मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. व्हाई बी ऑन दिस लेवल? क्योंकि बॉडी अगर फिट करना आपका गोल है, तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? तो आपका एंड गोल वो है जहां पे जानवर अभी है, विच इज द बिगनिंग ऑफ एनिमल लाइफ, यानी कि फिटनेस. जानवर सारे फिट है, उनको किसी योगा की जरूरत नहीं है. तो आप क्या गोल बना रहे हो अपनी लाइफ का? अगर आप फिटनेस गोल बना रहे हो या एनर्जी गोल बना रहे हो कि एनर्जी वाइज बहुत बढ़िया हो जाना है, तो आप जानवर बनने का गोल बना रहे हो. दैट इज नॉट द गोल ऑफ योगा. बॉडी को फिट करते चले जाओ, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरी करते चले जाओ. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, फिर जाओ जहां तक जाते हो. लास्ट में आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ. मैं कौन? This is called self-realization. This is the ultimate goal of yoga. If you are absolutely clear about ki main kya hu, wahan par kya hota hai? Absolute peace of mind. That is the highest goal of life. That is the highest goal of human life.